इतने साल बाद लाए मुझे डेट मारने के लिए। तो ये देखो सारी चीज का कलर चेंज हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनालिस लाइफ स्टूडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, हम भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड आज रात में हम निकल गए हैं रिधान को डेट पे लेके, मैं और राजेश, एंड उसका फेवरेट पिज़्ज़ा खिलाने के लिए उसे। तो ये हम वॉरेन में आए हैं, जो बास्किंग रिज में रहते होंगे उसे बता देती हूँ मैं। काफ़ी अच्छा रेस्टोरा था एंड यहाँ की पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा वराइटीज़ थी पिज़्ज़ा की एंड यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी अच्छे थे। ही से हेलो टू अस एंड हमने yours. बहुत एंजॉय किया। हमने हाफ ऑफ पास्ता ऑर्डर करा था, एक था चिकन बफेलो एंड एक था बारबेक्यू चिकन, रिधान का फेवरेट। आपने देखा कि कल हम बाहर गए थे, कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज भी है। रिधान को स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैं बिल्कुल ब्लैंकेट में घुस गई, उसके रूम में बहुत ठंडी है एंड विंडी भी बहुत ज़्यादा है। सो एज़ कल हम बाहर जब गए तो हमने डिसाइड किया कि हम जब भी ऑलमोस्ट 7.5 साल समझो आप उसको, 8 साल से हम कभी मैं और राजेश साथ में नहीं गए हैं, हमेशा रिधान के साथ ही, किसी के साथ अकेले हमने टाइम स्पेंड नहीं करा है, ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं करा है। तो कल जब हम बाहर पिज़्ज़ा खाने गए रिधान को लेके गए थे, तो हमने फिर वहीं पर डिसाइड किया था कि आज जैसे राजेश की छुट्टियाँ हैं तो आज हम स्पेशली सिर्फ हम दोनों जाएंगे। रिधान का स्कूल है तो वो स्कूल गया है, तो हम सोचे थे आज हम लंच बाहर करके आएंगे। तो कभी कभी होता है ना, हमने शायद इस चीज़ को समझने में बहुत लेट कर दी, बट मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आप ना कभी कभी ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई आपने नैनी रखा है या कोई टेक केयर है करने वाला है उनका, तो हस्बैंड वाइफ एक कपल को ना अपने साथ एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कल राजश्री को बोले कि हम खुद चलते, वैसे हमने प्लान बहुत दिन से कर रहे थे पर ऐसे कभी मतलब मन नहीं करता था कि रिधान को छोड़ के जाएँ एज इंडियन पेरेंट्स, बट सोचे कि नहीं यार मतलब अपने आप को भी कभी कभी टाइम देना चाहिए। तो आज हम जा रहे हैं लंच पे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस रिधान के आने से पहले हम आ भी जाएंगे, तो बस अभी बस रेडी होती हूँ एंड चलते हैं। मैं सोच रही थी ये पहन के जाऊँ आज, पर सोच रही हूँ डेट के लिए वन पीस अच्छा लगता है तो ये पहनूँ, मेरा दोनों मन हो रहा है, कौन सा पहनूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये लॉन्ग है, एक और है वन पीस, पर ये शॉर्ट है तो ये नहीं पहन सकती, ठंड आज बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों में से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि क्या पहनूँ, एंड इतने साल के बाद जा रही हूँ तो थोड़ा अलग ही स्पेशल फील हो रहा है। तो देखती हूँ पति देव से ही पूछती हूँ क्या पहनूँ। सो गाइज़ ये है मेरा फुल लुक, मैंने बिल्कुल कैजुअल लुक रखा है एंड मेरे पता नहीं आज बाल भी सेट नहीं हो रहा था, तो बस ऐसे ही मैं कैजुअल लुक के साथ गई। इतने साल बाद लाए मुझे डेट मारने के लिए, तभी तो ले गया था। छोटे रिधान के साथ कौन सा डेट होता है, हम रिधान के साथ डेट करने जाते हैं, पहली बार अकेले आए। सो गाइज हम आए हैं तंदूरी फ्लेम, ये पारसी पेनी में है एंड राजेश यहाँ पे शायद पहले आ चुके थे ऑफिस के साइड से। तो यहाँ पे एक्चुअली ये बफे है, तो यहाँ पे सब बहुत से जुकुनी फ्राई, पानी पूरी एंड जूस वगैरह थे, स्टार्टर्स में चिकन केक, चिकन कुछ चिकन चिल्ली था एंड एक ड्राई चिकन था एंड ये चिकन ग्रेवी, पनीर बटर मसाला, मुगलई वेज ऐसा कुछ था, प्लेन बिरयानी था, चिकन बिरयानी था एंड सबसे टेस्टी यहाँ का गुलाब जामुन एंड चटनीज़ वगैरह भी थी एंड गाजर का हलवा था। तो ये मेरा पहला प्लेट था सूप एंड मैंने स्टार्टर लिया था, ये सेकेंड जिसमें मैंने मेन कोर्स डायरेक्ट लिया था, क्योंकि जब मैं स्टार्टर पहले खा लेती हूँ तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। फिर लास्ट में मैंने पानी पूरी, समोसे एंड गुलाब जामुन एंड गाजर का हलवा लिया था विद चटनी, बहुत टियम था, बहुत टेस्टी था। कभी कुछ नहीं होता तब मेरा वीडियो बनता।
ठूस ले बता लो ठूस ठूस चलो पानी पी लेते हैं। सो गाइस आ गई मैं बाहर से डेट से। सो अच्छा था, खाना बहुत टेस्टी था वहाँ का, बहुत अच्छा लगा। अब तंदूरी फ्लेम नाम था रेस्टोरेंट का, बहुत टेस्टी खाना था। उसका समोसे, पानी पूरी, चिकन, पनीर की सब्ज़ी, सब कुछ बहुत बहुत यम था। एक ही सबसे खास बात है कि उसकी गुलाब जामुन, गाजर का हलवा एकदम यम था, बहुत टेस्टी था। उसका हर एक चीज़ बहुत टेस्टी था, एक भी चीज़ आप ये नहीं बोल सकते यार काम चला, ऐसा नहीं था। मैं तो सबको मैं 9.5/10 ऐसी रेटिंग मिल गई हर खाने को, बहुत टेस्टी था। एंड या आपके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ, तो आज मेरा हेयर ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ घर पे बनाकर वो ख़त्म हो गया, तो मैं अभी वही बनाने जा रही थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं किस तरह से हेयर ऑयल बनाती हूँ, एंड स्पेशली ये ठंड के लिए है, एंड मेरा बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी टिप्स शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ मैं यूज़ करूँगी, कैसे बनाऊँगी, सब कुछ आपको दिखाती हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। पहले मैंने लिया है यहाँ पे एक अनियन कट करके, चॉप करके अनियन। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे करी पत्ते लिए, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ही यूज़ करना। मैंने एक टेबलस्पून रोज़मेरी, ड्राई रोज़मेरी यूज़ किया है। अगर आप US में हो तो ये ईज़िली आपको वॉलमार्ट में मिल जाएंगे, या तो फिर इंडियन ग्रॉसरी में भी मिल जाएंगे, एंड इंडिया में तो ईज़िली बहुत ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेश वाले भी मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये हिबिस्कस फ्लावर है, तो यहाँ पे फ्रेश नहीं मिला मुझे, तो मैं ड्राई वाला मुझे मिला, तो मैं ड्राई हिबिस्कस फ्लावर लेकर आई हूँ, एंड ये मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने छोटे स्पून से लेके कलौंजी जिसे बोलते हैं नाइजीरिया शीट वो लिया है। यहाँ पे मैं ली हूँ मेथी के दाने, एंड चार पांच मैंने लौंग लिए हैं, क्योंकि ठंड का टाइम है तो लौंग गरम करेगा, इसलिए मैं चार पांच लौंग यूज़ की हूँ। एंड इसमें मैं 3 से 4 ऑयल यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे पहले तो मेन है कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट ऑयल मैं ये बड़ा वाला लेकर आती हूँ क्रिकलैंड से ही, तो वो यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ मैं डालूँगी कैस्ट्रॉल ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, एंड मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी सरसों का तेल बिकॉज ऑफ कोल्ड। ये ऑयल बनाने के लिए मेन है आपको आयरन का ही कढ़ाई लेना, आयरन का कोई सा भी बर्तन, क्योंकि आयरन का बर्तन ऑयल बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे पहले मैं कढ़ाई गर्म कर लूँगी। हमने 1.5 महीने पहले इतना बड़ा कोकोनट ऑयल लाए थे क्रिकलैंड का, और अभी ये इतना सा ही बचा है। हम सोचे थे पूरी ठंडी बीतेगी इस पर, देख के नहीं लग रहा कि पूरी ठंडी बीत जाएगी इसमें, इतना सही है ऑयल बचा भी। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो मैं उसमें मिलाऊंगी 1/2 कप कोकोनट ऑयल, एंड इसका हाफ जितना आप कोकोनट ऑयल ले रहे हो उसका हाफ बाकी ऑयल लेना है। तो यहाँ पे मैंने 6 to 7 स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। सरसों का तेल मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं कैस्ट्रॉल ऑयल भी यूज़ करूँगी, दोनों हेवी होते हैं। एंड ठंडी में ना आप जितना ज़्यादा जो भारी तेल होता है, हेवी ऑयल होता है, आप यूज़ करो तो अच्छा होता है, डैंड्रफ बाल ड्राई नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं कैस्ट्रॉल एंड मस्टर्ड दोनों यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर बादाम का तेल हो तो आप वो भी यूज़ कर लेना। तो तेल बस थोड़ा गर्म हो गया, तो मैं सारी चीज़ों को 1 by 1 करके उस पर ऐड कर दूँगी। बस अब उसे पकने देना है। एक तरफ मैं चाय चढ़ा दी यहाँ पे, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो शाम सुबह से हम चाय नहीं पीते, तो शाम में चाय पिए। सो गाइस आप अभी देखना प्याज का जब कलर, प्याज का कलर ट्रांसलूसेंट होने लगे, ब्राउन होने लगे, तो बस आपको गैस ऑफ कर देना है, एंड इसे कढ़ाई में ही कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, 2 से 2 दिन के लिए आपको इसको कढ़ाई में छोड़ देना है। आप ये देखो बिल्कुल भी प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं बस गैस ऑफ कर दूंगी। मैं अभी और इसको थोड़ा डार्क करना, पर मैं इसलिए ऑफ करूँ कि इसका हीट काफ़ी देर तक रहता है। सो गाइज आपको मैं ना इस ऑयल का बेनिफिट बता देती हूँ। जब से मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ, 3 से 4 बार मैंने ये ऑयल बनाया, मैं टेक्सास से ही ये बना रही हूँ, मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम ख़त्म, मेरी सबसे पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई। हेयर फॉल मेरी ख़त्म नहीं हुई है, मैं ये नहीं बोलूँगी ये ख़त्म हो गई है, पर बहुत हद तक कम हुई है।
तो मैं इसको रेगुलर बेसिस में लगाती हूँ। जब मुझे ऑयलिंग करना होता है, नहाने से कभी एक दिन पहले लगा लेती हूँ, कभी आधे घंटे पहले लगाती हूँ, तो इस टाइप से मैं लगाती हूँ। एंड अभी ये ठंडा होगा, इसको मैं दो दिन बिल्कुल इसी कढ़ाई पे छोड़ दूंगी, ताकि थोड़ा सा भी वो जो आयन है ना, उसकी पार्टिकल्स तो नहीं, मतलब उसका जो भी होगा वो उस पर ये भी कुछ दिन मैं दो दिन छोड़ूंगी। उसके बाद मैं कांच के बॉटल में इसको स्ट्रेन करके छान के कांच के बॉटल में रख लूँगी, ग्लास के बॉटल में। एंड उसके बाद मैं उसको मतलब ऑलमोस्ट 15 डेज मैं यूज़ तो अब करना शुरू कर दूँगी, पर 15 डेज तक मैं उसको एटलीस्ट डायरेक्ट सन मतलब सनलाइट के कॉन्टैक्ट पे रखूँगी उसको। उसके बाद 15 डेज के बाद हटा दूँगी ऑफकोर्स। तो वो अभी ये बस बन गया है, इसको अभी छोड़ देना है मुझे। एंड चाय भी बन गया है, तो अभी चाय पी लेती हूँ। मैं अपना चाय इंजॉय करती हूँ, आप भी चाय पियो बैठ के। ये है मेरी ऑयल की बॉटल लास्ट टाइम, अब इतनी सी ही बची है। तो अभी मुझे, आज है वेंसडे एंड कल है थर्सडे, तो आज मैंने खाई है नॉन वेज, तो थर्सडे को हेयर वॉश नहीं कर सकते। तो अब अभी मैं ये ऑयल लगा के एंड चाय वाय पी के फिर मैं हेड वॉश करूँगी। तो बस ये ख़त्म हो गया एंड ये ऑयल इतना यूज़ करके फिर ये बॉटल को क्लीन करके इस पर मैं फिल कर लूँगी अपने ऑयल को। सो गाइस, बस मैं नहा कर आ गई हूँ, गलती एक की, नहाने से पहले चाय पी ली, अभी पीनी थी, बट एनीवे जो हो गया सो हो गया। एंड हम मेरा और राजेश का तो पेट फुल है, रिधान के लिए मैंने राइस बनाई है, दाल है, एंड हम अभी अपने लिए डिनर पे मनचाओ सूप बना रहे। तो ये होममेड है, प्योर होममेड, नॉट रस्ट स्टाइल, बस ऐसे ही है। तो मैं आपको अपना वर्जन दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से मनचाओ सूप बनाती हूँ। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ, और बहुत इजीली आपके घर में सब कुछ अवेलेबल होता है, कुछ कहीं मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल वगैरह जो डेली की होती है वही मैं डालूंगी, एंड बच्चों को भी बहुत पसंद आती है एंड हमें तो पसंद आएगी ही आएगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से बनाते हैं मनचाओ सूप। इजी पीजी सूप बनाने के लिए मैंने अदरक लहसुन लिया है, प्याज लिया है, कॉर्न लिया है, मशरूम लिया है, कैबेज लिया है यानी पत्ता गोभी, गाजर लिया है, सोया सॉस लिया है, एंड तीखा के लिए मैंने यहाँ पे सिजवन चटनी लिया है। पैन को गरम करके उसमें मैं 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाली हूँ, फिर पहले अदरक लहसुन को फ्राई करके, प्याज फ्राई करके, एंड बाद जब प्याज फ्राई हो जाए तो सारे सब्जी को फ्राई करना है। इसमें आपको अभी नमक मैंने ऐड कर दिया है, मैं नमक डाल के ये भूनी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर, एंड मैं डालूँगी सिजवन चटनी, आप तीखा अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, एंड सोया सॉस थोड़ा सा डाल के उसे फिर 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। जब सारी सब्जी अच्छी सी फ्राई हो जाए तो हम उसमें पानी डाल देंगे 2 कप, एंड बॉयल आने के लिए उसे छोड़ देंगे। जब बॉयल अच्छे से आए तो कॉर्नफ्लोर की या कॉर्न स्टार्च की स्लरीज बना के उसमें ऐड करके बस आपका सूप हो गया रेडी। लाइक इट? यस, ठीक है। ओके, मशरूम की जगह मैंने रिधान को चिकन बताया है तो वो इसलिए पी रहा है, एंड यहीं पे करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।